बिसमिल्लर अलैक्म कैलकुलस विटिक जोमेट्री बाई एस एम यूसुफ़ एंड डॉक्टर मोहम्मद अमीन के पहले चैप्टर रियल नंबर्स लिमिट्स एंड कॉन्टीन्यूटी की पहली एक्सरसाइज़ वन पॉइंट वन के क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन से आज की इस वीडियो का आगाज़ करेंगे बहरहाल क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उसमें कहा जा रहा है द कॉस्ट फंक्शन सी ऑफ एक्स एंड द रेवेन्यू फंक्शन आर ऑफ एक्स फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स आर गिवन बाय ये नीचे आपको दोनों फंक्शंस की वैल्यूज़ दी गई हैं यानी सी ऑफ एक्स जो आपका कॉस्ट फंक्शन है उसकी वैल्यू है फाइव एक्स प्लस थ्री फिफ्टी और रेवेन्यू फंक्शन जो आपको आर ऑफ एक्स दिया गया है उसकी वैल्यू है फिफ्टी माइनस एक्स स्क्र यहाँ पर आप एक गलती को नोट कर लें कि मिस प्रिंटिंग की गई है नई किताबों में अगर तो आपकी भी नई किताब है तो उसमें आपको वाजे नजर आ रहा होगा कि फिफ्टी माइनस एक्स स्क्र लिखा गया है हालांकि यहाँ पर जो पुरानी किताबों में सही जो क्वेश्चन छापा गया था वो ये है कि आर ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो फिफ्टी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयेर बनती है तो लिहाजा नई किताबों वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अगर तो गलती है तो उसको फिफ्टी के साथ एक्स लगा लें ताकि आप अपना सोलूशन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त निकाल सकें बहरहाल आगे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट यील्ड आ प्रॉफिट तो बहरहाल ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इसमें आपको दो चीज़ें दी गई हैं सबसे पहली चीज़ जो थी वो है कॉस्ट फंक्शन और दूसरी आपको दी गई है रेवेन्यू फंक्शन ठीक है और आपसे कहा जा रहा है कि इनकी मदद से फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स आपने एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है तो ये देखें ये वाला क्वेश्चन जो है ये ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तर्ज़ तमीर पर होगा यानी जो आपने इनवेलिटीज़ को सॉल्व किया था सात से लेकर पंद्रह तक उसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे लेकिन इस क्वेश्चन में दो चीज़ों का इजाफा है पहली चीज़ जो है वो आपके पास कि इसमें आपने प्रॉफिट फाइंड करना है और दूसरी चीज़ इसमें आपने लॉस भी फाइंड करना है ठीक है तो ये क्वेश्चन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी नहायत अहम है तो लिहाजा प्रॉफिट के लिए और लॉस के लिए हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कि इस क्वेश्चन का प्रॉफिट कैसे फाइंड करें और लॉस कैसे फाइंड करें और किन की मदद से प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है रेवेन्यू फंक्शन की मदद से और कॉस्ट फंक्शन की मदद से तो चले इसको स्टार्ट करते हैं तो ये देखें सबसे पहले हम प्रॉफिट के लिहाज से करेंगे आपके पास दो चीजें दी गई हैं एक है रेवेन्यू और दूसरी है कॉस्ट देखें किसी भी कारोबार में प्रॉफिट के लिए अगर हमारा रेवेन्यू बड़ा होगा यानी रेवेन्यू अगर ज़्यादा होगा और कॉस्ट कम होगी तब ही हमारे पास उस कारोबार में प्रॉफिट आएगा ठीक है लेकिन अगर हमारे पास रेवेन्यू कम होगा और कॉस्ट ज़्यादा लग रही होगी तो जाहिर सी बात है उस कारोबार में लॉस होगा ठीक है जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप मार्केट से दस रुपये का एक बिस्किट लेकर आए हैं और अपनी दुकान पे लाके आपने उसको पंद्रह रुपए का बेचा है यानी आपका रेवेन्यू में इजाफा हुआ है पंद्रह रुपए का आपने बेचा है ठीक है कॉस्ट उसकी थी दस रुपये तो रेवेन्यू का आपका इजाफा हो रहा है यानी पंद्रह रुपए का आपने बेचा है तो रेवेन्यू में आपका पंद्रह रुपए का इजाफा हुआ है लिहाजा जो पांच रुपये आपके पास आएंगे वो आपका प्रॉफिट होगा यही है ना सारा कारोबार लेकिन अगर वही बिस्किट आप मार्केट से दस रुपए का खरीद रहे हैं और उस बिस्किट की डिमांड नहीं है और ला के आपने उसको पांच रुपए का बेच दिया है तो अब आपकी जो कॉस्ट थी वो दस रुपए की थी और रेवेन्यू में आपकी कमी आ रही है इजाफा नहीं हो रहा तब आपके कारोबार में लॉस होगा तो यहाँ से ये बात पता चली है कि अगर तो हमारा प्रॉफिट होगा कारोबार में तो वो इसी सूरत में होगा कि हमारी जो रेवेन्यू फंक्शन है यानी जो रेवेन्यू है वो हमारा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए तो बस बिल्कुल यहाँ पर यही पॉइंट समझना है आपको रेवेन्यू फंक्शन दिया गया है जिसका नाम है आर ऑफ एक्स और कॉस्ट फंक्शन दिया गया है जिसका नाम है सी ऑफ एक्स ठीक है ये आपको आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा इन दोनों की वैल्यूज भी दी गई हैं बस प्रॉफिट के लिए आपने ये समझना था कि रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा ठीक है किसी भी कारोबार में अगर रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो आपको लॉस होगा उस कारोबार में ठीक है तो फॉर प्रॉफिट के लिए हमारा रेवेन्यू इंक्रीज माना जाएगा और कॉस्ट डिक्रीज होगी तो बस ये आपके पास एक इनिक्वालिटी आ गई है अब यहाँ पे आप रेवेन्यू की जो आपको वैल्यू दी है मैंने आपको कहा था वो है फिफ्टी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन और कोस्ट की जो वैल्यू दी गई है वो है फाइव एक्स प्लस थ्री फिफ्टी ठीक है ये आपके पास अब एक इनक्वैलिटी बन गई है इसको बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सोल्व करेंगे सबसे पहले इस इनईक्वैलिटी को हम एक एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा फिफ्टी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस थ्री फिफ्टी ठीक है ये आपके पास हमने एक इन इक्वालिटी को एक एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर दिया है अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करवाएं और सिंप्लीफाई करवा के एक्स की वैल्यूज़ निकालें तो रीअरेंज करवाना तो आपके लिए बहुत आसान है ठीक है तो मैं इसको डायरेक्ट रीअरेंज करके लिखूंगा तो जब आप इसको डायरेक्ट री करके लिखेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी माइनस एक्स स्क्र प्लस फोर्टी फाइव एक्स माइनस थ्री फिफ्टी इज इक्वल टू ज़ीरोनि ये आपके पास रीअरेंज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं और इसमें से एक्स की वैल्यूज़ निकालते हैं तो फॉर्मूला भी मैं यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ x इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का और b b की वैल्यू आपके पास है 45 तो ये बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूड बी का स्क्वायर यानी 45 का स्क्वायर माइनस फोर ए ए आपके पास है माइनस वन और c आपके पास है माइनस थ्री फिफ्टी ठीक है डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय टू ए आपके पास माइनस वन है तो यहाँ पे ये मैंने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करवा दिया है अब आप इसको सिंप्लीफाई करवाएँ तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर्टी फाइव प्लस माइनस इस होल रूट को आप अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय माइनस टू ठीक है अब यहाँ से देखें ये आपके पास एक प्लस के लिहाज से आंसर देगा एक माइनस के लिहाज से आंसर देगा तो इनको अलग कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस फोर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय माइनस टू और एक्स का दूसरा माइनस फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय माइनस टू तो यहां से जब आप इसको सोल्व कराएंगे कैलकुलेटर पे तो इसका आंसर आपके पास मुकम्मल आएगा प्लस टेन और जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करवाएंगे तो इसका आपके पास मुकम्मल आंसर आएगा 35 प्लस का 35 ठीक है तो यू हमने ये देख लिया कि जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपलीफाई करवाएंगे तो एक हमारा एक्स का आंसर आएगा 10 और दूसरा हमारा एक्स का आंसर आएगा प्लस थर्टी ये हमने एक्स की वैल्यूज निकाल ली हैं अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करवाते थे तो ये नंबर लाइन ड्रॉ करवा ली नंबर लाइन में मैंने आपको कहा था कि यहां पर राइट right साइड पर पॉजिटिव इन्फिनी होती है लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव इन्फिटी होती है दरमिया में अब आप यहाँ पर दरमियान में ज़ीरो कंसिडर कर लें कन्सीडर करेंगे क्योंकि हमारे पास ना तो कोई फ्रैक्शन में गिवन uh, डाटा दिया गया है ना ही कोई ज़ीरो हमारा एंड पॉइंट आ रहा है लिहाजा ज़ीरो यहाँ पर कंसीडर करेंगे ज़ीरो हमारा इंटरवल्स का हिस्सा नहीं होगा तो टेन आ रहा है टेन आपका कहीं यहाँ पर करके प्लॉट होगा और थर्टी फाइव कहीं यहाँ पर करके प्लॉट होगा ठीक है अब हम इसके इंटरवल्स बनाते हैं जिनमें ज़ीरो शामिल नहीं होगा जीरो हमने इसलिए लिया ताकि आप मुआवजना कर सकें कि जीरो के इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और ज़ीरो के इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं चले मैं यहाँ से जीरो ख़त्म ही कर देता हूँ जीरो हमारा इंटरवल्स का हिस्सा नहीं होगा तो बहरहाल पहला हमारे पास जो ओपन इंटरवल आएगा वो आएगा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव टेन तक तो पहला ओपन इंटरवल आ गया हमारे पास माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव टेन तक दूसरा ओपन इंटरवल हमारे पास आएगा पॉजिटिव टेन से पॉजिटिव थर्टी फाइव तक तो ये आ गया टेन से थर्टी फाइव तक और तीसरा और आखिरी ओपन इंटरवल हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव थर्टी फाइव से पॉजिटिव इंफिनिटी तक तो ये हमारे पास आ गया थर्टी फाइव से पॉजिटिव इंफिनिटी तक यूं हमारे पास तीन ओपन इंटरवल आए हैं अब ये पहला ओपन इंटरवल है इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास क्या सोल्यूशन सेट का हिस्सा है कि नहीं है अब देखें क्या करते थे कि इनके दरमियान से कोई एक वैल्यू उठाते थे तो देखें माइनस इन्फिनिटी से टेन के दरमियान कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ज़ीरो माइनस वन माइनस टू करते करते नेगेटिव इन्फिनिटी तक बेतद यानी ला तदाद वैल्यूज़ आ रही हैं तो कोई एक वैल्यू हमने ठानी है जीरो आ रहा है दरमियान में तो चलें एक्स इज़ इक्ल टू जीरो उठा लेते हैं एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो ठा लिया इसको अब इस गिवन इन में यानी ये वाली जो इनक्वालिटी हमने बनाई है इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारे पास सपोर्ट कर रही है सोलूशन सेट को कि नहीं कर रही तो यहाँ पे देखें यहाँ पे आप ये x जहाँ जहाँ आ रहा होगा वो वहाँ पे आप जीरो अप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो माइनस एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पे ज़ीरो का स्क्वायर लिया जाएगा इस ग्रेटर देन फाइफ x की जगह ज़ीरो प्लस थ्री फिफ्टी ठीक है जब आप इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे मुकम्मल तो यहाँ पे आपका जीरो आंसर आ जाएगा इस ग्रेटर देन और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा थ्री फिफ्टी अब देखें क्या ये कंडीशन ट्रू आई है कह रहा है जीरो थ्री फिफ्टी से बड़ा है क्या वाकई जीरो थ्री फिफ्टी से बड़ा होता है तो नहीं जी जीरो तो थ्री फिफ्टी से बड़ा होता ही नहीं है थ्री फिफ्टी ज़ीरो से कई गुना बड़ा है लिहाजा ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स आई है यूं जब ये कंडीशन फॉल्स आई है तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये वाला इंटरवल हमारा सोलूशन सेट का हिस्सा नहीं है अब इस इंटरवल को चेक करते हैं कि क्या यह सोल्यूशन सेट का हिस्सा है कि नहीं है तो यह मैंने आपके सामने दूसरा ओपन इंटरवल भी लिख दिया है अब इसके दरमियान से कोई वैल्यू उठाते हैं तो देखें दस से लेकर पैंतीस तक इसके दरमियान में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं कई वैल्यूज़ आ रही हैं ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस करते करते चौंतीस तक कई ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं तो चलें बीस इसके दरमियान में आ रहा है यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स इज़ इक्वल टू ट्वेंटी जो कि दस और पैंतीस के दरमियान आ रहा था वहां से हमने उठा लिया अब इसको इस इनईक्वलिटी में पुट करते हैं तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां आप ट्वेंटी पुट करते जाएँ और देखें कि क्या ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा और यहाँ पे x का स्क्वायर है तो लिहाजा हो जाएगा ट्वेंटी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन फाइव मल्टीप्लाई बाय एक्स है तो x की जगह ट्वेंटी आ जाएगा प्लस थ्री फिफ्टी जब आप इस वाली साइड को कंप्लीट सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा सिक्स हंड्रेड ठीक है और ग्रेटर देन का सिंबल उसी तरह और जब आप इस वाली साइड को सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा फोर फिफ्टी ठीक है अब देखें क्या ये कंडीशन ट्रू आई है हमारे पास कह रहा है 600 जो है वो साढ़े चार से बड़ा है तो क्या 600 सौ साढ़े चार से बड़ा होता है तो जी हाँ जी 600 हमारा साढ़े चार से बड़ा होता है लिहाजा ये कंडीशन ट्रू आई है तो ये कंडीशन ट्रू आने की वजह से ये वाला ओपन इंटरवल हमारा सोलूशन सेट का हिस्सा होगा अब ये लास्ट ओपन इंटरवल बचा है इसको देखते हैं कि क्या ये सोलूशन सेट का हिस्सा है कि नहीं है लिहाजा अब ये आपके सामने जो तीसरा ओपन इंटरवल था वो भी मैंने बिल्कुल यहाँ लिख दिया है इसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये ओपन इंटरवल पैंतीस से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है अब आप देखें कि पैंतीस से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान कितनी वैल्यूज आ रही हैं यानी पैंतीस से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लात तदादा वैल्यूज़ आ रही हैं छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस करते करते पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लात तदाद वैल्यूज आ रही हैं तो फोर्टी के दरमियान में आ रहा है चले अब इस बारी हम एक्स इज ले, ले लेते हैं ठीक है क्योंकि वो इनके दरमियान में आ रहा था अब इस फोर्टी को इस गिवन इन इक्वालिटी में पुट करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास फिफ्टी एक्स की जगह फोर्टी पुट कर दिया माइनस एक्स का है तो ये हो जाएगा फोर्टी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन फाइव एक्स की जगह फोर्टी पुट कर दिया प्लस थ्री फिफ्टी ठीक है अब अब जब इस वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करवाएंगे तो ये आपके पास आंसर देगा फोर हंड्रेड ग्रेटर देन का सिंबल इसी तरह और राइट हैंड साइड पर जब आप इस वाली साइड को सिंप्लीफाई करवाएंगे तो ये आपके पास आंसर देगा पाँच सौ पचास अब देखें ये आपके पास कंडीशन आ रही है कह रहा है चार सौ साढ़े पांच सौ से बड़ा है क्या चार सौ बाकी साढ़े पाँच सौ से बड़ा होता है नहीं जी साढ़े पाँच सौ बड़ा लिहाजा ये वाली कंडीशन फॉल्स है यूं कंडीशन ये वाली फॉल्स निकली है तो लिहाजा ये वाला इंटरवल हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा तो प्रॉफिट के लिए क्योंकि हम ये काम किए रेवेन्यू को बढ़ा हमने कि, किस लिए किया ताकि हमारा प्रॉफिट निकल सके तो प्रॉफिट के लिए हमारा जो सोल्यूशन सेट निकला है ठीक है सोल्यूशन सेट फॉर प्रॉफिट जो हमारा निकला है वो है टेन से थर्टी फाइव तक ये है आपका इंटरवल्स की सूरत, सूरत में लिखा गया है लेकिन अगर आप इसी को चूंकि बुक में आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया अब आपके आप कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है तो आपने छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि सेट्स को लिखने की तीन मेथड्स हैं टेबुलर फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म तो बुक के पीछे जो आपका आंसर दिया गया है वो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा गया है तो देखें सबसे पहले देखें कैसे लिखेंगे उसको सेट बिल्डर नोटेशन में इसको इस तरह लिखेंगे कि कहा जा रहा है एक्स सच देट एक्स बिलोंग्स टू ये तो यहां तक जो आपकी नोटेशन होगी वो सेट बिल्डर फॉर्म की ओरिजिनल नोटेशन है वो हर सेट के साथ ये इसी तरह लिखी जाएगी ठीक है अब हमने चूंकि इस इंटरवल को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना तो सबसे पहले देखें क्या कहा जा रहा है ये इंटरवल आपके पास दस से लेकर पैंतीस तक का बन रहा है लिहाजा ये इंटरवल बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला इंटरवल हमारा 10 से लेकर 35 तक जो बन रहा है वो सारा का सारा नेचुरल नंबर्स हैं क्योंकि 10 से लेकर 35 तक इनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं 11, 12, 13, 14 हम उसको नेचुरल नंबर्स कंसीडर कर सकते हैं ना तो कह देते हैं कि ये जो एक्स है इनके दरमियान तमाम की तमाम वैल्यूज़ वो बिलोंग कर रही हैं नेचुरल नंबर से एंड ये एंड का सिंबल है ठीक है एंड जो x है हमारा वो बड़ा है दस से और छोटा है पैंतीस से क्योंकि अगर आप इंटरवल्स को अगर आपने ओपन इंटरवल्स को मुकम्मल समझ लिया है जो मैंने आपको वीडियो का बताया था जिसका लिंक मैं इसकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा अगर आपने अभी तक नहीं समझा तो वहां से जाके समझ लें अगर आप ओपन इंटरवल को मुकम्मल समझ चुके हैं तो मैंने उसमें बताया था कि ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स शामिल नहीं होते तो ये दस और पैंतीस आपके एंड पॉइंट्स हैं तो मैंने कहा था एंड ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स शामिल नहीं होते इनके दरमियान और इनके इर्द गिर्द जितने भी नंबर हैं वो शामिल होंगे तो ये एक्स जो है यही जाहिर कर रहा है कि जो नंबर हैं एक्स जो है वो ना तो दस है यानी ये ना तो एंड पॉइंट टेन है और ना ही पैंतीस है वो दस से बड़ा होगा और पैंतीस से छोटा होगा तो देखें दस से बड़ा और पैंतीस से छोटा वो तो इनके दरमियान में ही वैल्यूज़ आ रही हैं ना ठीक है लिहाजा ये वाली सेट बिल्डर नोटेशन थी और वो इस ओपन इंटरवल को भी सपोर्ट कर रही है बहरहाल यह है आपका प्रॉफिट के लिहाज से निकाला गया सोल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का ठीक है अब हम इसी क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर का लॉस फाइंड करेंगे कि लॉस के, के मुताबिक हमारा सोल्यूशन सेट क्या निकलता है बहरहाल जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में बताया था कि प्रॉफिट हमारा उस वक्त होगा कारोबार में जब हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो ठीक है तो प्रॉफिट के लिहाज से तो हमने सोल्यूशन सेट फाइंड कर लिया अब हम करने लगे हैं लॉस के लिहाज से तो लॉस हमारा कब होगा लॉस हमारा उस वक्त होगा किसी भी कारोबार में जब हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी और रेवेन्यू कम होगा ठीक है ये अब हमारी रेवेन्यू जो है वो कम है जैसे मैंने मिसाल दी थी वही बिस्किट वाली कि अगर आप मार्केट से दस रुपये का बिस्किट उठाएं और उसको लाकर आप दुकान में पंद्रह का बेचें तो कॉस्ट आपकी दस थी पंद्रह आपने बेचा यानी रेवेन्यू में आपने इजाफ़ा किया तो वो थी आपकी प्रॉफिट पंद्रह रुपये में से यही पंद्रह रुपये का आपने बिस्कुट बेचा उसमें जो पाँच रुपये था वो आपका मुनाफा था वो आपको प्रॉफिट था लेकिन अब अगर मार्केट में आप दस रुपये का बिस्कुट ले रहे हैं मार्केट से उठा रहे हैं और ला आप उसको क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है तो वो पाँच रुपये का बिक रहा है क्योंकि आप चाहते हैं कि ये बिस्कुट एक्सपायर होने से पहले पहले मेरी दुकान से बिक जाए तो अब आप उसको एक किस्म का मगरों उतारना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे बिक भी जाए और पैसे भी आए लेकिन आपको पैसे मुनाफे के तौर पर नहीं मिल रहे तो अब आप उसको पाँच रुपये का बेच रहे हैं तो दस रुपये जो थी वो आपकी कॉस्ट प्राइस थी लेकिन आपको मुनाफा नहीं हो रहा बल्कि आपको लॉस हो रहा है तो रेवेन्यू क्या होगा कम होगा लॉस में और कॉस्ट प्राइस जो होगी वो ज़्यादा होगी लिहाजा हमने रेवेन्यू को कम कंसीडर कर लिया और कॉस्ट प्राइस को ज़्यादा कंसीडर कर लिया अब बिल्कुल वही काम करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा सोल्यूशन सेट निकलता है लॉस के लिहाज से तो बहरहाल आपको जो बुक के मुताबिक जो आपको नजर आ रहा है कि स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है कि रेवेन्यू की वैल्यू जो आपको दी गई है रेवेन्यू फंक्शन की वो है फिफ्टी एक्स माइनस एक्स स्क्र इज लेस देन और कॉस्ट फंक्शन की जो वैल्यू दी गई है वो है फाइव एक्स प्लस थ्री फिफ्टी ठीक है अब आपको देखें दोबारा से इन इक्वालिटी बन गई है अब इसको दोबारा से एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करें तो ये बन जाएगा आपके पास फिफ्टी एक्स माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस थ्री फिफ्टी दोबारा से वही काम करेंगे कि रीअरेंज करेंगे तो री अरेंज आपकी बारी करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वेयर माइनस फोर्टी फाइव एक्स प्लस थ्री फिफ्टी इज इक्वल टू तो ज़ीरो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई री अरेंज करने से ठीक है तो उसके बाद क्या करेंगे इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी बी आपके पास है माइनस फोर्टी फाइव प्लस माइनस अंडरूड बी स्क्वायर यानी माइनस फोर्टी फाइव का स्क्वायर माइनस फोर ए ए आपके पास अब की बारी है प्लस वन और सी आपके पास है प्लस थ्री फिफ्टी होल डिवाइडेड बाय टू ए आपके पास था पॉजिटिव वन जब आप इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे मुकम्मल सिंप्लीफाई करवाएंगे चले मुकम्मल नहीं करवाते आहिस्ता आहिस्ता करते हैं तो आपके पास ये माइनस और ये माइनस ये हो जाएगा प्लस फोर्टी फाइव प्लस माइनस इस अंडर रूट का टोटल का आंसर आपके पास आएगा ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय टू ठीक है यूं आपके पास ये वैल्यूज प्लस के लिहाज से भी आ रही है और माइनस के लिहाज से भी आ रही है तो इनको एक दफ़ा प्लस के लिहाज से अलग कर लें यानी फोर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टू और एक दफ़ा माइनस के लिहाज से यानी फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टू अलग कर लिया इसका आंसर आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू थर्टी फाइव ठीक है और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा टेन ठीक है यूँ आपके पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई पहली आई थर्टी फाइव और दूसरी आई एक्स इज़ इक्वल टू टेन ठीक है बिल्कुल यानी आप देखें ना वही वैल्यूज़ आ रही हैं जो पीछे प्रॉफिट में आई थी लेकिन मसला कहाँ पे पड़ेगा यानी जो हमारे टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आएगा वो इस इनक्वालिटी में आएगा जो पहली वाली इनक्वालिटी थी वो ग्रेटर देन का सिंबल था अब की बारी लेस देन का सिंबल है बहरहाल आप नंबर लाइन ड्रॉ करें तो नंबर लाइन ड्रॉ करवाने से यहाँ पर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी को कंसीडर करते हैं यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी को ठीक है दरमियान में आप जीरो कंसीडर कर लें जीरो हमारा हिस्सा नहीं होगा सेट का या इंटरवल्स का लेकिन मैंने सिर्फ कंसीडर करने के लिए किया ताकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स को आप इमेजिन कर सकें और यहाँ पर नेगेटिव को बहरहाल ये पॉजिटिव थर्टी है वो यहाँ पर कहीं पर प्लॉट हो जाएगा और ये पॉजिटिव टेन है तो वो यहाँ पर कहीं पर प्लॉट हो जाएगा अब इंटरवल्स लिखते हैं तो ये देखें मैंने आपके सामने इंटरवल्स लिख दिए आपको नज़र आ रहे होंगे तो पहला ओपन इंटरवल जो है ये देखें बिल्कुल वही ओपन इंटरवल्स बनेंगे जो पीछे प्रॉफिट में निकले थे लिहाजा मैंने इस तरह लिख दिए तो पहला ओपन इंटरवल जो है वो आपके पास है माइनस इन्फिनी से पॉजिटिव टेन का दरमियान से कोई भी वैल्यू उठाएं अब की बारी हम दोबारा एक्स ईक्वल टू जीरो लेते हैं क्योंकि दरमियान में आ रहा है ये सारा मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया है लिहाजा एक्स ईक्ल टू जीरो इनके दरमियान से हमने उठाया इसको अब इस गिवन इनिकवालिटी में पुट करते हैं इसका नाम दे दिया वन का तो ये जहाँ जहाँ एक्स आ रहा होगा वहाँ वहाँ आप जीरो पुट कर दें तो ये हो जाएगा इज़ लेस देन फाइफ एक्स की जगह ज़ीरो प्लस थ्री फिफ्टी अब ये आपका टोटल ज़ीरो हो जाएगा इज़ लेस देन इसका आंसर आपके पास थ्री फिफ्टी आएगा क्या ये कंडीशन ट्रू आई है ठीक है देखें ज़ीरो थ्री फिफ्टी से कह रहा है छोटा है तो ज़ीरो वाकई थ्री फिफ्टी से छोटा होता है लिहाजा ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू आई है ठीक है अगर, अगर आपको याद हो तो ये वाली कंडीशन हमारी प्रॉफिट में फॉल्स आई थी तो बहरहाल अब हमारे पास लॉस में ये कंडीशन ट्रू आई है लिहाजा ट्रू आने की वजह से ये वाला इंटरवल हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा अब दूसरे इंटरवल को देखते हैं कि क्या ये वाला इंटरवल सोल्यूशन सेट का हिस्सा है कि नहीं है तो ये देखे मैंने दूसरा ओपन इंटरवल यहाँ लिख दिया इसके दरमियान से मैं उठा लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी इसको पुट करते हैं इस गिवन इन इक्वालिटी में ये वाली में तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ ट्वेंटी पुट कर दें ट्वेंटी का स्क्वायर इज लेस देन फाइव एक्स की जगह ट्वेंटी uh, आ जाएगा प्लस थ्री फिफ्टी ठीक है अब आप देखें इसको आप कंप्लीट सिंप्लीफाई करवाएंगे कैलकुलेटर पर बेशक करवा लें तो इसका आंसर आपके पास आएगा सिक्स हंड्रेड इज लेस देन और इसको आप जब कैलकुलेटर पर सिंप्लीफाई करवाएंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा फोर फिफ्टी ठीक है अब देखें कह रहा है कि जो सिक्स हंड्रेड है वह फोर फिफ्टी से छोटा है छोटा तो नहीं ना छः सौ जो है वो साढ़े चार सौ से बड़ा होता है लिहाजा ये कंडीशन अब फॉल्स आ रही है फॉल्स आने की वजह से ये वाला इंटरवल हमारा सोलूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा अब आखिरी ओपन इंटरवल को देखते हैं कि क्या ये वाला ओपन इंटरवल सोलूशन सेट का हिस्सा है कि नहीं है तो ये मैंने आपके सामने तीसरा ओपन इंटरवल भी वहाँ लिख दिया है इसके दरमियान से हम उठा लेते हैं फोर्टी उसको पुट करते हैं इस गिवन इनिक्वालिटी में तो ये बन जाएगा फिफ्टी एक्स की जगह फोटी पुट कर दिया माइनस एक्स का स्क्वायर यानी फोर्टी का स्क्वायर इज लेस देन फाइव एक्स की जगह फोर्टी पुट कर दिया प्लस थ्री फिफ्टी ठीक है जब आप इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो ये आपके पास यानी ये वाली साइड का फिफ्टी इंटू फोर्टी माइनस फोर्टी का स्क्वायर इसका आंसर आपके पास आएगा फोर हंड्रेड इज लेस देन और इसका आंसर यानी इस वाली साइड का आंसर आपके पास आएगा फाइव फिफ्टी क्या ये दुरुस्त कंडीशन आई है कह रहे चार सौ साढ़े पाँच सौ से छोटा है तो जाहिर सी बात है चार सौ साढ़े पाँच सौ से वाकई ही छोटा होता है लिहाजा ट्रू कंडीशन है और ट्रू कंडीशन की बिना पर ये वाला इंटरवल हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा तो यूँ आपका जो सोल्यूशन सेट बन रहे हैं सोल्यूशन सेट आपका पहला बन रहा है माइनस इन्फिनिटी से टेन और दूसरा बन रहा है थर्टी फाइव से पॉजिटिव इन्फिटी और इनका यूनियन लेकिन मैंने आपको बताया है कि जो आपके बुक के पीछे जो सॉल्यूशन सेट लिखा हुआ है वो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है तो लिहाजा इन इंटरवल्स को भी हम सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज कर लेते हैं तो इस पहला इंटरवल का जो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एक्स सच देट एक्स जो एक्स है वो छोटा है टेन से ठीक है और दूसरा जो दूसरा इंटरवल है उसको अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो लिखा जाएगा एक्स सच दैट एक्स अच्छा बुक के पीछे ये दो डॉट बने हुए हैं इसको भी सच दैट करते हैं अगर आप ये दो डॉट डालना चाहें वो डाल दें वरना ये इस तरह की सीधी लाइन डालना चाहें इसको सच दैट करते हैं ठीक है वो हमारे पास बड़ा है पैंतीस से इसके बाद एंड ये एंड का सिंबल है और जो एक्स हमारे पास है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और इनका यूनियन ये आपके पास या तो आप इंटरवल्स इस सूरत में लिखना चाहते हैं तो इस सूरत में लिख लें लेकिन अगर है अब हम चलते हैं आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की जाने अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है उसमें आपसे कहा जा रहा है आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा उसमें आपसे कहा जा रहा है फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर इज 17 टू यानी सतारा से लेकर आगे बाईस तक जितने भी आपको फंक्शन दिए गए हैं इनकी सिर्फ हमने डोमेन फाइंड करनी है तो ये क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आपको आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है उसमें कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडरवुड वन माइनस एक्स स्क् तो देखें इसको कैसे करेंगे सबसे पहले आपको डोमेन का पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होती है इसको आप इंटर में पढ़ के आ चुके हुए हैं एफ में पढ़ के आ चुके हुए हैं डोमेन आपको किसी भी जो फंक्शन आपको दिया होता है यानी जो भी फंक्शन दिया होता है उसमें ऐसी वैल्यूज़ जो उस फंक्शन में अप्लाई करवाएं और वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ हमारे फ़ंक्शन को डिफाइंड ही रहने दें यानी अनडिफ़ाइंड ना करें तो वो वैल्यूज़ जो हमने फंक्शन पे अप्लाई करवाई थी उन वैल्यूज़ को कहेंगे डोमेन ठीक है दोबारा से देख लें कि वो वैल्यूज़ जो फंक्शन पे हम अप्लाई करवाएँ फंक्शन में पुट करें एक्स की जगह और वो हमारे फंक्शन को डिफाइंड ही रहने दें अनडिफाइंड ना करें तो उन वैल्यूज़ को जो पुट करवा रहे थे हम फंक्शन में जिसकी वजह से हमारा फंक्शन डिफाइंड ही रह रहा है उन वैल्यूज़ को हम कहेंगे डोमेन ठीक है डोमेन वैल्यूज़ कहेंगे इसके बाद आप डोमेन के अलावा एक रेंज का भी लफ समझते हैं यानी आपने सुना होगा रेंज का और उम्मीद है आपको आता भी होगा लेकिन आप इसको क्लियर कर लें ज़रा कि रेंज क्या होती है कि डोमेन वैल्यूज़ पुट करने से फंक्शन में फंक्शन जो हमारे पास आंसर देगा हमें ठीक है ना दोबारा से देख लें कि डोमेन वैल्यूज़ पुट करने से फंक्शन जो हमें आंसर दे रहा होगा वो आंसर हमारे पास रेंज कहलाएगा ठीक है यानी डोमेन वैल्यूज जितनी भी हम पुट करते जाएं जो हमारे पास फंक्शन आंसर देगा वो हमारी क्या कहलाएगी रेंज कहलाएगी तो अभी तो आपको समझ लग गई होगी उम्मीद है लेकिन अगर ये मैं क्वेश्चन मैं करवाता हूँ डोमेन का इसके निकालते हैं और आपको मजीद समझ लग जाएगी यानी आपका जो कन्सेप्ट है डोमेन और रेंज का वो मज़ीद पुख्ता हो जाएगा कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर सेवनटीन जो है देखें इसमें मैं ये आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्र ये आपके पास एक स्क्वेयर रूट वाला फंक्शन है अब देखें इसमें मैं अगर x की जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दूं जो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड कर दे तो वो हमारी डोमेन नहीं होगी ठीक है तो लिहाजा हमारी डोमेन क्या होगी देखें x की जगह मैं अगर मैं वन पुट करूं वन तो फंक्शन हमारा जो है वो डिफाइंड ही रहेगा यानी x की जगह वन पुट किया तो ये हो जाएगा वन माइनस वन का स्क्वायर ठीक है वन माइनस वन अंडर रूट जीरो आंसर जीरो आ रहा है लिहाजा डेफिनेट वैल्यू आ रही है लिहाजा वन जो है हमारा डोमेन का हिस्सा है अगर मैं माइनस वन भी पुट करूं तब भी मेरे पास ज़ीरो ही आएगा लिहाजा माइनस वन भी जो है वो भी हमारे पास डोमेन का हिस्सा है तो माइनस वन और वन के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये मैंने इसको क्लोज्ड इंटरवल से अप्लाई करवा रहा हूँ क्यों क्लोज इंटरवल क्या होता है उसको भी समझ लें कि ऐसा इंटरवल जिसमें हमारे पास एंड पॉइंट्स भी शामिल हों और उनके दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं वो भी शामिल हों ऐसे इंटरवल को क्लोज़ इंटरवल कहते हैं लिहाजा वन से माइनस वन वन और माइनस वन और इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ ये सारी की सारी हमारी इस फंक्शन की डोमेन होंगी तो लिहाजा मैंने ये लिख भी दी है कि इस फंक्शन की डोमेन हमारे पास है क्लोज़्ड इंटरवल ऑफ माइनस वन टू वन यानी क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है कि ये माइनस वन और वन भी शामिल है और इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ यानी माइनस जीरो पॉइंट नाइन माइनस जीरो पॉइंट एट करते करते जीरो और जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू करते करते जीरो पॉइंट नाइन तक वो तमाम वैल्यूज़ भी हमारे डोमेन में शामिल होंगी ठीक है अब मैंने आपको बताया था कि ये जो तो डोमेन हमने सवाल के मुताबिक ये डोमेन निकाल ली रेंज क्या होती है इसमें से इसके दरमियान से कोई भी वैल्यू उठाएं देखें इसके दरमियान जीरो आ रहा है इसको आप पुट करें क्वेश्चन में वन माइनस ज़ीरो का स्क्वायर अंडर रूट वन इज इक्वल टू वन ये आपके पास इस डोमेन से कोई भी वैल्यू हमने फंक्शन में पुट किया और फंक्शन ने हमारे पास आंसर दिया है वन लिहाजा ये वन हमारे पास रेंज होगी ठीक है तो यही मैंने आपको बताया है कि डोमेन की वैल्यूज़ फंक्शन में पुट करने से जो हमारे पास फंक्शन आंसर देगा वो तमाम की तमाम वैल्यूज रेंज कहलाएंगी अभी तो जीरो पुट किया तो हमारे पास वन आया ना अगर मैं वन पुट करूँगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जीरो अंडर रूट का जीरो तो लिहाजा ये ज़ीरो भी हमारे पास रेंज में ही आ रहा है ठीक है तो उम्मीद है आपको डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट मुकम्मल समझ आ गया होगा अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर एटीन से ट्वेंटी टू तक तमाम की डोमेन निकाल लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर एटीन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसमें कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स ये आपको एक फ्रैक्शनल फंक्शन दिया हुआ है ठीक है जिसके न्यूमिनेटर में भी पोलिनॉमल है और डी न्योमरेटर में भी पोलिनोम है तो अगर आपको कोई सिंपल पोनोमियल वाला फंक्शन दिया हो मिसाल के तौर पर अगर आपको दिया हो एफ़ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए प्लस एक्स ये आपके पास एक पोनोमियल फंक्शन है तो इसकी अगर कोई डोमेन पूछे तो आंखें बंद करके इसकी डोमेन लिखते हैं होल सेट ऑफ रियल नंबर्स ठीक है कि पोलिनोमियल की जो डोमेन होती है हमारे पास वो होल सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है यानी तमाम के तमाम रियल नंबर्स उसकी डोमेन में शामिल होते हैं क्योंकि वो पोलिनोमियल होता है ठीक है लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन आपके पास आ रही है क्वेश्चन नंबर एटीन में वो है कि आपके पास न्योमिनटर में भी पोलिनोमियल है और डी में भी पोलिनोमियल है ठीक है तो अगर मेरे पास होल सेट ऑफ रियल नंबर मैं कह दूँ तो होल सेट में तो मेरे पास ए भी आता है और अगर डी नोमेटर में ए अप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये डी नोमिटर जो होगा ए अप्लाई करने की वजह से ये ए हो जाएगा ए माइनस ए लिहाजा ये बन जाएगा ए प्लस एक्स डिवाइड बाई जीरो तो ये तो अनडिफाइंड हो रहा है ठीक है तो ये मैं कह सकता हूँ कि इसकी होल सेट ऑफ रियल नंबर होगी इस इसकी डोमेन यानी इस एफ ऑफ एक्स की डोमेन जो होगी वो होल सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगी लेकिन उसमें ए शामिल नहीं होगा क्यों ए शामिल नहीं होगा क्योंकि अगर ए शामिल हो गया इसके बीच तो ए शामिल होने की वजह से वो हमारे फंक्शन को अनडिफाइंड कर देगा लिहाजा इसकी डोमेन हमारे पास आ जाएगी कि तमाम रियल नंबर्स होंगे इसकी डोमेन में सिवाय ए के ठीक है थीके? तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 18 की भी समझ लग चुकी होगी ये सारे के सारे क्वेश्चन सतारह से लेकर 22 तक ई एम सी यू से पूछे जाते हैं ठीक है तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ लग गई होगी अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा जा रहा है एफ ओफ एक्स आपको दिया गया है ओवर अंडर हैल्टीप्लाई बाई टू माइनस एक्स इसकी जो डोमेन होगी वही काम इसमें भी देखें कि अगर डी नोमिटर में मैं कोई ऐसा नंबर अप्लाई करता दूँ जिसकी वजह से हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है तो वो हमारे डोमेन में शामिल नहीं होंगे वो नंबर्स जिसकी वजह से अनडिफाइंड हो रहा है हमारा फंक्शन लेकिन उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो तो शामिल होंगे लिहाजा देखें अगर ये एक्स की जगह मैं वन पुट कर दूँ तो वन माइनस वन जीरो होल अंडर, होल डी नोमीटर मेरे पास क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा और इस वाले फैक्टर में अगर मैं टू की ये सॉरी एक्स की जगह टू पुट कर दूँ तो ये टू माइनस टू जीरो हो जाएंगे लिहाजा दोबारा से ये सारे का सारा डिनोमीटर ज़ीरो हो जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो हमारे पास डोमेन होगी वो तमाम रियल नंबर्स तो होंगे लेकिन उसमें वन और टू शामिल नहीं होगा वन भी शामिल नहीं होगा और टू भी शामिल नहीं होगा ये है हमारी इस क्वेश्चन की डोमेन तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आई होगी अच्छा ये वन और टू शामिल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि अगर वन भी अप्लाई करवाएंगे तब भी हमारा डी नॉमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा और अगर डी नोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो ये वन ओवर ज़ीरो की फॉर्म यानी अनडिफाइंड आंसर देगा और टू अप्लाई करवाएंगे तब इस फैक्टर को ये देखें टू माइनस टू करेगा तब भी हमारा होल अंडर रूट जीरो हो जाएगा और डी नोमिनेटर भी जीरो हो जाएगा तो लिहाजा तब भी हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन रही होगी इसीलिए मैंने कहा कि तमाम रियल नंबर इसका डोमेन होंगे इस फंक्शन के लेकिन वन और टू इस फंक्शन की डोमेन नहीं होगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उसमें कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रोड थ्री प्लस एक्स प्लस अंडर वोट सेवन माइनस एक्स इसकी जो डोमेन आप निकालेंगे इसकी जो डोमेन होगी वो देखें इसको भी यानी होल सेट ऑफ रियल नंबर नहीं कह देना क्यों नहीं कहेंगे इसको नहीं कहेंगे मैं कह रहा हूँ इसको क्यों नहीं कहेंगे क्योंकि अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर देखें अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह नाइन अप्लाई करवा दूँ ठीक है अगर मैं यहाँ पे नाइन अप्लाई करवा दूँ तो ये अंडर रूट मेरे पास आ जाएगा सेवन माइनस नाइन और ये मेरे पास बन जाएगा अंडर रूट टू माइनस का तो अंडर रूट टू आ रहा है यहाँ पर तो वो तो कम्प्लेक्स नंबर होता है रियल नंबर नहीं होता लिहाज़ा ये हमारे पास अनडिफाइंड आंसर देगा इसको आप कैलकुलेटर पर करके देखें ये मैथ्स एरर आंसर दे रहा होगा ठीक है तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है लिहाजा अब हम इसको होल सेट ऑफ रियल नंबर नहीं बना सकते तो इसकी लिमिट क्या इसकी सॉरी डोमेन क्या होगी इसकी डोमेन होगी हमारे पास माइनस थ्री से सेवन तक यानी माइनस थ्री से सेवन तक जितने भी नंबर हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं लेकिन अगर सेवन से बड़ा एक भी नंबर गया या माइनस थ्री से छोटा एक भी नंबर गया तो माइनस थ्री से छोटा करके देखें अगर मैं यहाँ पे माइनस फोर अप्लाई करवाऊँ तो अंडर रुट माइनस वन आंसर आएगा वो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इसलिए मैंने कहा है कि इसकी जो डोमेन होगी हमारे पास वाइनस थ्री और सेवन के दरमियान होगी माइनस थ्री भी शामिल होगा सेवन भी शामिल होगा और इनके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो भी शामिल होंगे लेकिन सेवन से बड़ा और माइनस थ्री से छोटा हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो इसकी डोमेन नहीं होगी अगर वो इस अगर वो नंबर इसकी डोमेन में शामिल किए जाएंगे तो हमारे पास आंसर अनडिफाइंड आ रहा होगा लिहाजा ये है इसकी डोमेन और उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की भी समझ लग चुकी होगी अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसमें कहा जा रहा है एक्सक्वेर माइनस वन अच्छा ये जो फंक्शन है ना ये इसको सबसे पहले देख लें इसका नाम है पीस वाइज फंक्शन ठीक है इस पीस वाइज फंक्शन में आपको जो फंक्शन दिए होते हैं ये पीसीस की सूरत में दिए होते हैं बहरहाल ये जो इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा एक्सरसाइज वन पॉइंट टू में क्योंकि वहाँ पे इसके कई ज़्यादा सवाल आते हैं तो वहाँ पे मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा बहरहाल इस फंक्शन को जे देखें ये आपके पास एक्स स्क्र माइनस वन जो है इसकी डोमेन इसके सामने ही लिखी हुई है कह रहा है एक्स जो है वो टू के बराबर भी है और उससे छोटा भी है और कह रहा है दूसरे वाला जो फंक्शन है अंडर रूड एक्स माइनस वन इसकी भी डोमेन इसके सामने लिखी हुई है कह रहा है जो एक्स है वो टू से बड़ा है ठीक है अब यहाँ पे समझें कह रहा है ये जो टू है हमारी जो डोमेन इसका इसने नाम एक्स रखा हुआ है जो इसको दी भी हुई है इसकी डोमेन इसके सामने वो कह रहा कि X है, ए, है, है।, है? कह रहा कि एक्स जो X है वो टू के बराबर भी है और उससे छोटा भी है ठीक है यहाँ पे आप नेगेटिव इंफिनिटी को शो कर लें कह रहा है कि जो रहे है वो टू के बराबर भी है और उससे छोटा भी है और आगे कह रहा है कि एक्स जो है वो टू से बड़ा भी है तो पीछे बच के गया पॉजिटिव इंफिनिटी तक पीछे बच के गया कोई नंबर बच रहा पीछे टू भी आ रहा है शामिल टू से छोटी भी तमाम वैल्यूज आ रही हैं बीच में और टू से बड़ी भी तमाम वैल्यूज आ रही हैं तो पीछे कोई ऐसा नंबर नहीं बच रहा तो इसकी डोमेन ना हो लिहाजा जो इसने डोमेन हमें दी हुई है उसके मुना, मुनासबा से हम कह सकते हैं कि इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास होल सेट ऑफ रियल नंबर्स है ठीक है तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन भी समझ आया होगा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू की जानेब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू जो हमारी आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है एफ ओफ एक्स आपको दिया गया है अंडर रूट एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन देखिए इसकी अगर मैं डोमेन का निकालना चाहूं तो सबसे पहले अगर मैं डी नोमिनेटर की बात करूँ तो मैं कोई ऐसा नंबर डी नोमिनेटर में नहीं लाना चाहता जिसकी वजह से मेरा ये सारा का सारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए तो अगर मैं यहाँ पे माइनस वन ले आया तो माइनस वन और प्लस वन जीरो हो जाएगा लिहाजा वो ज़ीरो की वजह से अन यानी एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई जीरो डी नोमीटर में जब भी ज़ीरो आता है तो वो अनडिफाइंड ही शो होता है ठीक है तो माइनस वन सबसे पहली बात इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं है दूसरी बात यहाँ पर देखें इस वाले फंक्शन को देखें अगर मैं ये न्यूमिटर वाले फंक्शन में x की वैल्यू अगर मैं माइनस फोर से मज़ीद छोटी ले गया यानी मैं माइनस फाइव अगर मैं यहाँ पे ले आया ठीक है और अगर मैं थ्री ले आया यहाँ पे या पॉजिटिव टू ले आया पॉजिटिव वन ले आया या जीरो ले आया तो मेरा जो फंक्शन होगा अगर मैं ज़ीरो यहाँ पर ले आया तो ये मेरे पास बन जाएगा अंडर रूट माइनस फोर तो दोबारा से देख लें वो कम्प्लेक्स नंबर शो कर रहा है ठीक है तो इसका मतलब कि ऐसी वैल्यूज लेकर आनी है जो ना तो अनडिफाइंड कर सकें और ना ही कम्प्लेक्स नंबर दे सकें तो इसका जो हमारे पास इसकी जो डोमेन आएगी वो होगी तमाम रियल नंबर इसमें शामिल होंगे सिवाय माइनस वन से पीछे और फोर से आगे ये देखें ये मैंने हाफ क्लोज्ड इंटरवल इस्तेमाल किया है माइनस वन मैंने क्लोज्ड इंटरवल इस्तेमाल कर रहा हूँ और फोर पे यानी पॉजिटिव फोर पे मैं ओपन इंटरवल का मैंने इस्तेमाल किया है ठीक है तो ये है इसकी डोमेन जिसमें माइनस वन से पहले वाली वैल्यूज शामिल नहीं होंगी और फोर शामिल नहीं हो यानी फोर से आगे तमाम वैल्यूज़ शामिल होंगी ठीक है तो ये है आपकी ये वाली डोमेन जिसमें होल सेट ऑफ रियल नंबर होगा सिवाय इन वैल्यूज़ के तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू भी ख़त्म होता है यहाँ पे हमारा आज की इस वीडियो का अखता होता है अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट की समझ नहीं लगी या ये जो मैंने डोमेन रेंज समझाया है इसकी क्वेश्चन में किसी भी किस्म की समझ ना लगी हो तो स्क्रीन पर शो होते हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे रबता करके उन प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं ठीक है डोमेन और रेंज कोई बला नहीं है आप क्वेश्चन को सिर्फ देखें आपकी डोमेन और रेंज खुद खुद निकल जाएगी ठीक है बहरहाल एक्सरसाइज़ वन पॉइंट वन के क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तक हमने ट्वेंटी टू तक हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन को समझ लिए हैं वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करें और उनको बताएं कि अजीम एजुकेशन एच के थ्रू आपको बस की कैलकुलस बिल्कुल एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन के साथ यानी वजाहत के साथ आपको सिखाई जा रही है तो यहाँ से आपके यहाँ से यहाँ पर आके आप भी ए, उस कैलकुलस को सीखें ठीक है क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है कम नहीं होता और शवाब दारैन की नीयत से आप इस वीडियो को शेयर करें बहर हाल आपसे भी दरखास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अजीम एजुकेशन एच डी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप सब तक आसानी से पहुंच दी पहुँच दी जाए अगली वीडियो में ट्वेंटी टू से आगे क्वेश्चन को शुरू करेंगे और आपको सिखाएंगे यानी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री से और अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहरहाल अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज